लेजेंड्स, मेरा नाम है सुयोग पाटिल और आप देख रहे हैं लेजेंडरी सुयोग। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ गेमिंग गपशप, जहां पे आप करते हैं गेमिंग की बात मेरे साथ। और गाइस, पिछले कुछ दिनों में हमारे सामने बहुत सारी लीक्स और न्यूज निकल के आ चुकी है, जैसे कि फौजी का टीडीएम रिलीज हो चुका है और सोनी एंटरटेनमेंट ने एंड्रॉयड गेमिंग को काफी सीरियस लेने की बात शुरू कर दी है, जिससे कि ये पॉसिबिलिटी हो जाती है कि सोनी के PS4 के एक्सक्लूसिव गेम शायद हमें PC या एंड्रॉयड पे खेलने को मिल सकते हैं। तो गाइज, ऐसी और डिटेल्स जानने के लिए पूरी वीडियो तक बने रहिए और हम कंटिन्यू करेंगे वीडियो एक इंट्रो के बाद। गाइज, पिछले कुछ दिनों में फौजी का जो TDM मोड है वो रिलीज हो चुका है और इसके साथ हमें एक नया मैप देखने को मिल जाता है, जो कि है बाजार। और ये राजस्थान की एक फिक्शनल सिटी पर बेस्ड है और यह इस फौजी भी धीरे धीरे अपडेट कर रहा है। तो गाइज, हो सके तो फौजी को एक बार ट्राई कर लेना TDM। इसके साथ नई गन्स वगैरह चलाने का भी आपको मौका मिलेगा, साथ ही साथ आपको ग्रेनेड्स मिल जाते हैं और इसमें आप 5 से 6 लोगों के साथ TDM मोड का आनंद भी उठा सकते हैं। गाइज, नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो तो काफ़ी शॉकिंग है ही, और ये न्यूज़ निकल करके आती है आपके हमारे सबके फेवरेट GTA 5 से, जिसे आप एंड्रॉयड पर खेलने के लिए इतना उछल रहे हैं। तो गाइज, एंड्रॉयड का तो पता नहीं, लेकिन अगर आप पायरेटेड वर्जन डाउनलोड करके PC में खेलते हैं या फिर डाउनलोड करने की सोच रहे हैं, तो मैं आपको यहीं पर एक चेतावनी दे देता हूँ, क्योंकि हैकर्स ने जो है एक अंडरग्राउंड मार्केट बना लिया है, जिसमें वो गेम्स के अंदर वायरसेस अपलोड करके आपके PC को हैंग और स्लो कर देते हैं। गाइज, ये चीज़ GTA 5 में तो हो ही रही है, लेकिन GTA 5 के साथ साथ दूसरे बहुत सारे गेम्स में भी ये हो रही है, और जो है पायरेसी जो है एक लीगल एक्शन नहीं है। तो गाइज, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि यार CD खरीद के खेलो लाइसेंस की के साथ। ये न्यूज़ सुनने के बाद अगर आप फिर भी पायरेटेड GTA 5 डाउनलोड करने की सोच रहे हैं, तो 1000 रुपये बचाने के चक्कर में आप हज़ारों खो सकते हो, क्योंकि GTA 5 के सहारे आपका जो पैसा और बैंक अकाउंट है वो बहुत ही आसानी से हैक हो सकते हैं और आपको हज़ारों का नुकसान तो हो ही जाएगा। उसके बाद आपका PC ख़राब होगा वो अलग बात, और काफ़ी ज़्यादा लॉस झेलना पड़ेगा वो भी अलग बात, और इसमें तो आप गेम खेलना तो भूल ही जाओ। अब गाइस, GTA गेम्स की बात चली रही है, तो मैं एक बात आपको GTA 6 के रिलेटेड भी बता देता हूँ। ये हो सकता है कि GTA 6 का अनाउंसमेंट या फिर रिलीज डेट GTA ऑनलाइन के किसी अपडेट में छुपा हो या फिर किसी रैंडम मिशन में आपको देखने को मिल जाए। और गाइस, अगर आप GTA ऑनलाइन में भी रियल लाइफ की तरह आवारागर्दी करते हो, तो शायद आपको GTA 6 का प्रायर रिलीज डेट पता चल सकता है। और गाइस, GTA ऑनलाइन के जो सर्वर्स है, जो कि PS3 और पुराने कंसोल्स के लिए बनाए गए थे, वो भी डाउन होने वाले हैं और GTA ऑनलाइन पुराने कंसोल्स के लिए बंद पड़ने वाला है। तो गाइज, ये काफ़ी अच्छे एरा का अंत होगा। गाइज, नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो सोनी एंटरटेनमेंट की तरफ से निकल करके आ रही है, और जो सोनी एंटरटेनमेंट है वो मोबाइल गेमिंग को काफ़ी ज़्यादा सीरियसली ले रहा है। तो गाइज, मोबाइल गेमर्स खुश हो जाओ, क्योंकि शायद अगले कुछ सालों में आपको PS4 या फिर PS3 के एटलीस्ट कुछ एक्सक्लूसिव गेम्स अपने मोबाइल पर खेलने के लिए मिल सकते हैं, ऐसी एक रूमर और लीक निकल करके आ रही है। भाई, मेरी तरफ से पर्सनली मुझे तो ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस GTA 5, स्पाइडरमैन के दोनों गेम्स, गॉड ऑफ वॉर के आने वाले दोनों गेम्स, अनचार्टेड, डेज गॉन, लास्ट ऑफ अस के दोनों पार्ट्स, और भी बहुत कुछ। इन शॉर्ट बोलूँ तो सारे गेम्स। गाइज, कुछ महीनों पहले मोदी जी ने गेमिंग के रिलेटेड कमेंट किया था और उन्होंने कहा था कि इंडिया भी अब से अच्छे गेम्स बनाने लगेगा, और ये बात सच भी है, क्योंकि राजी द एंशियंट एपिक इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। और गाइज, जब 2-3 दिन पहले उनसे फिर से पूछा गया कि इंडिया में गेमिंग के रिलेटेड फ्यूचर कैसा होने वाला है, तो उन्होंने बोला कि इंडिया भी अब से अच्छे गेम्स बनाएगा और वो गेमिंग को काफ़ी ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि फॉरेन्स के गेम्स जो है वो वॉयलेंस को प्रमोट करते हैं और डिस्ट्रक्टिविटी को बढ़ावा देते हैं। तो गाइज, मेरे ख्याल से ये उनके खुद के विचार नहीं होंगे, वैसे भी वो बहुत ही बड़े आदमी हैं, तो उनको कहीं से स्क्रिप्ट आती होगी तो ये उसने लिखा होगा। लेकिन अगर ये उनके खुद के विचार है, तो मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे तो फिर बॉलीवुड की सारी मूवीज़ को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें तो हीरो एक मारता है और बाकी सारे उड़ के साइड में गिर जाते हैं, तो दैट डजंट मेक सेंस कि गेमिंग को ही क्यों टारगेट करे वाला। गाइज, आपको अपेक्स लेजेंड्स मोबाइल तो मालूम ही होगा,
ये वही गेम है जिसकी बेटा टेस्टिंग सबसे पहले इंडिया में शुरू की गई थी और उसके बाद फिलीपींस में, लेकिन ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि इसकी बेटा टेस्टिंग अभी और 5 कंट्रीज में रिलीज की जाएगी। गाइज ये जो न्यूज़ है ये तो एक लेटेस्ट न्यूज़ है, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है यस, कि विंडोज 11 रिलीज हो चुका है और करंट विंडोज 10 यूजर्स को ये फ्री अपडेट में मिल जाएगा। अब गाइज ये विंडोज 11 है, कोई पानी पूरी की प्लेट तो है नहीं, तो इसमें काफी सारे चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि विजुअल्स अब एसडीआर से एचडीआर में चले जाएंगे, जिससे कि आपके विजुअल्स काफी ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। इसके बाद इसमें जो है गेम्स लोड करने पर वो डायरेक्टली ग्राफिक कार्ड में लोड होंगे, जिससे कि पीसी पर लोड कम पड़ेगा। गाइस इसके बाद इसमें एक्सबॉक्स का ऐप भी प्री इंस्टॉल रहने वाला है, बाहर से इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं, जिससे कि क्या होगा कि आप अपने फेवरेट गेम्स या तो फिर डाउनलोड कर लो या फिर एक्सबॉक्स गेम पास को परचेस कर लो, जिससे कि आप अपने फेवरेट गेम्स का आनंद बहुत ही सिंपल तरीके से उठा सकेंगे। सो गाइस जो नेक्स्ट न्यूज़ निकल करके आ रही है वो आ रही है मार्वल की तरफ से। तो गाइस मार्वल का नया गेम रिलीज़ होने वाला है जिसका नाम है मार्वल फ्यूचर रिवॉल्यूशन, और कल रात को जो है उनकी एक स्ट्रीम हुई थी मार्वल एंटरटेनमेंट चैनल पे, और उस स्ट्रीम में उसके जो है गेम प्ले वगैरह को दिखाया गया था और अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट किया था कि कैसे उसे खेलना है, और जो एस्टिमेटेड उसकी रिलीज डेट बताई जा रही है वो है 30 सितंबर, ये पक्का नहीं है लेकिन हो सकता है। गाइस नेक्स्ट न्यूज़ निकल करके आ रही है एनवीडिया के 3090 Ti ग्राफिक कार्ड्स से और PS5 से, इनकी जो शिपिंग है वो तो अभी अच्छी हो रही है, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं कि जहाँ से ये मार्केट में शिप किए जा रहे हैं वहीं पे इन्हें डजन्स और टन्स में खरीद करके ले जा रहे हैं, जिससे कि मार्केट में इनका स्टॉक बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है और हम जैसे कॉमन पीपल को ये मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो आई होप कि ऐसा फ्यूचर में ना हो और ये अपने स्टॉक्स बढ़ा दे। गाइस जो नेक्स्ट न्यूज़ निकल करके आ रही है वो आप सबके मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस में से एक है कि GTA 6 की रिलीज डेट क्या होने वाली है। तो गाइस GTA 6 कब आएगा इसका अभी कोई पक्का कंफर्मेशन तो है नहीं, लेकिन एक कड़वे सच के हिसाब से ये 2023 या 2024 से पहले तो नहीं आने वाला, तो इसे इस साल या अगले साल खेलना तो आप भूल ही जाओ। गाइस अभी हाल फिलहाल में ही रॉकस्टार गेम्स ने जो है कुछ लोगों को हायर किया है गेम टेस्टिंग करने के लिए, और हो सकता है कि इसमें से एक GTA 6 हो या फिर GTA की पुरानी ट्रिलॉजी इसके रीमेक बन रहे हो। गाइस इन सब में मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं यूट्यूब पर जो कि कहते हैं कि GTA 6 जो है वो इस साल के एंड में या फिर अगले साल के स्टार्टिंग में रिलीज हो सकता है, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम सबको पता है कि रॉकस्टार गेम्स जितना भी छुपाए GTA 6 तो डेवलपमेंट में है, लेकिन अभी उसके बहुत सारे प्रोसेसेस होने बाकी है और जितना वो हाई ग्राफिक बनने वाला है ना वैसा गेम बनाने में तो काफ़ी सारा वक्त लग जाएगा। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस, होप सो कि आप पूरी तरीके से अपडेटेड हो गए हो। अब वीडियो में कहीं भी खुशी आई, मज़ा आया, हंसी आई तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे कहीं से भी नया आ गया हो तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और हाँ गेम्स खरीद के खेलना।